क्या जिनके ज्यादा नंबर आए हैं या जिनके नंबर कम आए हैं, जिनके ज्यादा नंबर आए हैं उनको और बेटर करना है और जिनके कम नंबर आए हैं उनको निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपको बता दें फेलियर ही सक्सेस का कारण बनता है। आप अगर फेल नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं हो सकते। फेल होना सीख जाओ, सक्सेस होना ऑटोमेटिक सीख जाओ। या तो नंबर से आपको घबराना नहीं है कि आज किसी का 10 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक कोने में जाकर के बैठ नहीं जाना है। आपने आपकी लाइफ में एक बॉल और आएगी। जैसे एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, 6 बॉल होते हैं। मान लेता हूँ किसी टीम को 6 रन चाहिए जीतने के लिए, 6 बॉल है 6 रन। पहली बॉल आई मिस, सेकेंड बॉल आई मिस, थर्ड बॉल आई मिस, फोर्थ बॉल आई मिस और पांचवी बॉल भी आई यदि एक क्रिकेटर यदि हार मान ले वहीं पर बैठ जाए, अब कई बॉल पे छेड़ चाहिए हो नहीं सकता, डाउट सिक्स लग सकता है। एक क्रिकेटर जिस प्रकार से हार नहीं मानता वैसे ही आपको भी हार नहीं मानना है, निरंतर काम करना है। और जिन लोग का नंबर कम आया निराश बिल्कुल मत हो, एक कोने में जाके मत बैठो और निरंतर काम करो, देखो आपका रिजल्ट जो भी बेहतर आया। और जो टॉपर हुए थे उनको टारगेट रखो, ये टॉप कैसे हुए, क्या रिजल्ट आए इसके पीछे, टॉपर बने तो बने नहीं बने हम भी बनेंगे टॉपर। और हर एक देश को चैलेंज, और जब आप हर एक देश को चैलेंज तो आप अगले टॉपर होंगे और अगले स्टैंड। और निरंतर काम करते हैं, ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, निरंतर। आपको बता दी वही जल शुद्ध होता है जो निरंतर होता है। तालाब का जल शुद्ध नहीं होता, शुद्ध किसका जल होता है, नदियों का जल होता है। क्यों शुद्ध होता है, क्योंकि निरंतर उसके बहाव होता है और जो बनता है वही शुद्ध। तो आप भी निरंतर बहते रहो उस नदी के पानी की तरह, ना कि उस तालाब के पानी की। तालाब का पानी कभी नहीं करता, उसमें गंदगी हो जाती है, पीली होती है। इसलिए मत रहो, निरंतर काम करते रहो। आज फेल होगे तब सबसे जरूरी है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हरीश नाम का एक व्यक्ति था। किस नाम का, हरीश नाम का। हरीश नाम का एक व्यक्ति था जिसको दौड़ना बहुत पसंद, रनिंग करना, वो रनिंग करना बहुत पसंद करता। और जब भी रनिंग में जाता था, दौड़ होती थी, वो हमेशा फेल होता था। और उसको रनिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो रनिंग में हमेशा फेल हो जाता था। और कई बार फेल होने की बात पर निराश भी हुआ कि मैं तो हर बार फेल हो जाता हूँ, लेकिन एक दिन वो ठान लिया मैं इस बार जो रेस होगा उस रेस को हम जीत करके। और इस बार भी रेस हुई, वो गया भी हरीश उस रेस में और भाग भी लिया, और इस बार भी वो दौड़ना सीखा। इस बार भी कई उसके साथ जो दौड़ने वाले व्यक्ति थे वो कई लोग आगे निकल चुके, वो अभी उनके पीछे, लेकिन वो आज ठान लिया था। उसके कदम रुक गए थे, कई लोग आगे निकल चुके थे, वो पूरी तरह थक चुका था, उसके शरीर में जान नहीं बचा हुआ, फिर भी उसने दौड़ना शुरू किया। सोचा उसने हम तो आज भी हार जाएंगे। उसने सोचा क्यों ना दौड़ने की बजाय, क्योंकि अब तो हमारे शरीर में जान भी नहीं है, पैर में उतनी ताकत भी नहीं है कि मैं आगे दौड़ पाऊं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कम से कम पैदल तो चल सकता हूं, तो पैदल ही चलना शुरू कर। और आगे कई कैंडिडेट निकल चुके हैं, तो पैदल ही चलना शुरू कर। पैदल जा रहा है। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो क्या कर चुका है, हाँ नहीं कि आज तो मंजिल पर पहुंचना ही है,
चाहो कि नहीं मैं फिर उठूंगा और दौड़ूंगा। लेकिन वो इससे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि हार में भी मान लो अगर किसी चीज को बोलते ना मान लो तो जीत है मान लो तो हार है आपकी भी पकड़ है। उसने ठान लिया था कि मैं कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचा था आज तक, आज तो कम से कम मंजिल पर पहुंचा हूं, वो अलग बात है मैं थोड़ा पीछे रह गया, कम से कम सुकून तो है आज। अगली बार हम 100% उस मंजिल पर ही पहुंचेंगे और फर्स्ट टाइम पर ही रहेंगे और हमारे पास कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कई सारी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, ऐसी कई सारे हार का सामना करना पड़ेगा, आपको सुधार करना है, निरंतर काम करना है और अपनी टाइम शेड्यूल तय कर। सभी लोग हार कभी मत मानो जिंदगी में, जो लाइफ में हार मान लिया वो सक्सेस नहीं हो सकता। कभी भी अपनी लाइफ में हार मत मानना, निरंतर काम करते रहना। हम आपको बता रहे हैं आपको सक्सेस किसी भी जरूर मिलेगी, ये हमारी वर्ड्स को नोटेट करेगा और कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना और कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष मत देना कि हमारे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। आपको बता दें परिस्थितियों को दोष देना बुरा है और जो परिस्थितियों को दोष नहीं देता निरंतर काम करते रहता है उसको देखो एक दिन तो आपको भी मंजिल मिलेगी। वो दिन आएगा जिस दिन आप नौकरी में बस समय निरंतर काम करते दिन आएगा। सब लोग अपने टाइम शेड्यूल को तय करो, एक योजना बन। तो स्टडी की प्रक्रिया होती है योजना बन, अगर आपका योजना नहीं है जैसे एक भवन का निर्माण करना होता है